हाय, दिस इज मनीष शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मेरा व्यू बुलिश है, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से इसने ट्रेंड लाइन तोड़ा है और एक अच्छा अपू हमें देखने को मिल सकता है। पर आज अगर आप मॉर्निंग में मेरा मैसेज देखो टेलीग्राम चैनल, मॉर्निंग में निफ्टी मैंने बाय दिया था, कंडीशनल बाय दिया था। जो भी मैं ट्रेड देता हूँ कंडीशनल ट्रेड देता हूँ। कंडीशनल का मतलब ये होता है या तो इस लेवल के ऊपर बाय करना है या इस लेवल के नीचे सेल करना है। निफ्टी आप देख सकते हो मैंने बाय दिया था 880 के ऊपर, लेकिन 880 के ऊपर गया ही नहीं तो हम लोग का बाय ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने कॉल बाय दिया था, इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, और एक निफ्टी का सेल ट्रेड भी दिया था, इसमें 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ एक बार, और उसके बाद एक काफी अच्छा प्रॉफिट आया क्योंकि इंट्राडे में निफ्टी ने उसके बाद 14,721 का लो बनाया। सो ओवरऑल नेट नेट प्रॉफिट और लॉस ऑलमोस्ट एक फ्लैट ट्रेडिंग सेशन था, क्योंकि मॉर्निंग में कुछ लॉस हुआ और उसके बाद प्रॉफिट हुआ, तो नेट ऑफ में ज्यादा कुछ प्रॉफिट बना नहीं। लेकिन हम लोग एनालिसिस करते हैं कल के सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अब ध्यान से समझना, लास्ट 2-3 दिन काफी ज्यादा वॉलेटाइल हुए निफ्टी बैंक निफ्टी में, लेकिन यहाँ से जो मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेंडेड मूव आपको देखने को मिल सकता है। लेवल्स पर ध्यान देना, जो मैं आपको लॉजिक समझाने वाला हूँ ध्यान से देखना। ये निफ्टी का डेली चार्ट है, और यहाँ पर अगर आप देखो आज के सेशन में इसने जो पैटर्न बनाया है, ये जो रेड कैंडल है, इस पैटर्न को बोलते हैं बेरिश हरामी पैटर्न। अब बेरिश हरामी पैटर्न एक नेगेटिव बेरिश पैटर्न है, और ये जो रेड कैंडल का लो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए। 14,720 के अगर नीचे निफ्टी जाता है तो हायर चांसेस है निफ्टी ये लो भी रिटेस्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसने एक प्रॉपर प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया। ये फॉल आया था, ये रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ पर प्राइस ने रिजेक्शन किया है बेरिश हरामी पैटर्न बना के, और वापस ये नया लो बना सकता है। सो अगर 14,720 आप ये लेवल नोट डाउन कर लेना, 14,720 के नीचे जाता है तो निफ्टी काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा इंट्राडे के लिए भी और पोजिशनली भी। 14,200 एंड 13,600 तक के टारगेट जो मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो में बताया था, 14,200 एंड 13,600, ये दो टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर 14,720 के नीचे निफ्टी जाता है तो। एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। सो आपका व्यू जो है वो बेरिश होना चाहिए, लेकिन 14,720 के नीचे 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना, उससे ज्यादा मत रखना। 60-70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप निफ्टी शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दे सकते हो। 14,720 के नीचे आप एग्रेसिवली सेलिंग कर सकते हो। ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। अब ध्यान से समझना यहाँ पर, अब ये जो लेवल है 14,700 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। अगर ये लेवल टूटता है यहाँ से, ये सेम हाइट हमें यहाँ तक टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी अप्रोक्सीमेटली 14,500-14,400 ये लेवल्स हमें इजीली देखने को मिल सकते हैं। सो निफ्टी में आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, 14,720 के नीचे एग्रेसिवली आप शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दे सकते हो। अब हम लोग एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी लगातार मैं आपको कुछ वीडियो से बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी काफी ज्यादा वीक है, और यहाँ पर अगर आप देखो प्रॉपर ये प्राइस एक्शन बना रहा है। यहाँ पर इसने रिट्रेसमेंट किया था, ये लोअर हाई बनाया, ये लोअर लो बनाया, और वापस यहाँ से प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला है। अब ये हायर चांसेस है ये जो प्रीवियस लो है ये भी ब्रेक कर सकता है और ये लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है, यानी 30,000 तक के टारगेट के लिए आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। बट आपको करंट लेवल पे शॉर्ट ट्रेड नहीं लेना है, आज का जो लो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 33,250 के नीचे अगर जाने लगता है बैंक निफ्टी तो आप एग्रेसिवली सेलिंग की तरफ ध्यान दे सकते हो, पोजिशनली 30,000 तक के टारगेट के लिए, और इंट्राडे में भी आप सेलिंग की तरफ ज्यादा ध्यान दे सकते हो। अगर आप बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देखो तो काफी इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा है यहाँ पर। ये एक वॉलेटाइल सेशन था। मैंने आपको बताया था कि आज थोड़ा हमें ट्रेंडेड मूव देखने को मिल सकता है। स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ में ट्रेंडेड हुआ, उसके बाद वापस वॉलेटाइल हो गया, लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बना रहा है। इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न इसने बनाया 15 मिनट के चार्ट पे, और अगर ये ब्रेकडाउन देता है 33,250 के नीचे जाता है तो 600-700 पॉइंट का एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, और 32,500 तक के टारगेट के लिए आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो। सो कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग होता है या गैप डाउन ओपनिंग होता है तो आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन कोई बड़ा गैप डाउन होता है तो आपको प्राइस एक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा, और गैप अप होता है तो आपको शॉर्ट नहीं करना है। जो मैंने आपको लेवल्स बताया 33,250 और निफ्टी में 14,720, ये लेवल्स के नीचे ही आपको शॉर्ट की तरफ ध्यान देना है। और कुछ भी लाइव मार्केट में अगर लेवल्स में चेंजेस हुआ तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल में आपको ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स भी मिलते हैं। कल मैंने जो ऑप्शन बाइंग ट्रेड दिया था उसमें प्रॉफिट हुआ था, आज जो मैंने ट्रेड दिया था ऑप्शन बाइंग उसमें 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। वॉलेटाइल सेशन के दिन हमें स्टॉप लॉस को भी रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर आप रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली फॉलो करोगे, जिस दिन ट्रेंड होगा उस दिन आप एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो, तो डेफिनेटली आप नेट ऑफ में प्रॉफिट रहोगे और ये लॉसेज आपको इतने इंपैक्ट नहीं करेंगे।
सो रिस्क मैनेजमेंट पे आपको ध्यान देना है, एवरी डे आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला, ये एक बात हमेशा आप ध्यान रखना। ऐसे वॉलेटाइल डे के दिन आपको स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट करना है, आपको अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है ताकि जब ऐसा ट्रेंडेड मार्केट हो तब आप एक बड़ा प्रॉफिट कमा सको। और ऑप्शंस बाइंग सीक्रेट कोर्स हिंदी लैंग्वेज स्टार्ट हो रहा है 5th अप्रैल को, कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सिर्फ प्रीमियम ट्रेडर्स ग्रुप ज्वाइन करना है। आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करके प्रीमियम ट्रेडर्स ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और आपको फूड डोनेट करना है पुअर फैमिलीज को, आपको अपने लोकल एरिया में डोनेट करना है, कहीं पर जाके किसी वेबसाइट पर जाके कहीं भी कुछ भी डोनेट नहीं करना है। तो अगर आपको ऑप्शंस बाइंग सीक्रेट कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारा प्रीमियम ट्रेडर्स ग्रुप ज्वाइन करके वेबिनार लिंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।